हाय, दिस इज गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्ली बार्गेनिंग, यानी चैप्टर 21A ऑफ CRPC को सेक्शन वाइज लर्न करने की ट्रिक। ये ट्रिक है, मतलब किस सेक्शन में क्या चीज़ दिया गया है, इसको लर्न करने के ट्रिक को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखनी है कुछ लाइनें जो कि मैं पढ़ के बता रही हूँ, ये सभी ट्रिक से रिलेटेड हैं। एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लगाएंगे, जो रिपोर्ट आएगी उससे केस डिस्पोज ऑफ होगा, जजमेंट आएगा और ये जजमेंट फाइनल होगा। यही कोर्ट की पावर है जो कि ISO प्रमाणित है। जितना बताया है उतना समझ आ गया होगा, समझ आ गया तो सेव कर लो, कल एक्यूज्ड की स्टेटमेंट लेकर आना और लास्ट में किसी एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यही ट्रिक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी क्या है। एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लगाएंगे, जो रिपोर्ट आएगी उससे केस डिस्पोज ऑफ होगा और जजमेंट आएगा, ये जजमेंट फाइनल होगा। समझ आ गया तो सेव कर लो, कल एक्यूज्ड की स्टेटमेंट लेकर आना। अब किस तरीके से लर्न करना है, सबसे पहले आप सेक्शन लिख लीजिए, उनके आगे ABCD लिख लो। अब जो ट्रिक है उसमें हाईलाइटेड है उसको मार्क करते जाओ। एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लगाई जाएगी, फिर जो रिपोर्ट आएगी उससे केस डिस्पोज ऑफ होगा, डिस्पोज ऑफ होने पर जजमेंट आएगा और ये जजमेंट फाइनल होगा जो कि ISO प्रमाणित है। अब हमने लर्न किया ISO प्रमाणित है, आई से हो गया 265, ISO यानी सेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद J में हमने किया था, इतना समझ आ गया, सेव कर लो, यानी J 265J में सेव कर लो। नेक्स्ट हो गया K और L, सेव करने के बाद क्या था, कल एक्यूज्ड की स्टेटमेंट होगी, तो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड आ गया K में। लास्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी, यानी 265L से लास्ट में नो एप्लीकेशन। आई होप ये ट्रिक से आपको कंप्लीट चैप्टर लर्न हो गया होगा। इसी तरह की और ट्रिक से अगर आप जो भी चैप्टर लर्न करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस चैप्टर की वीडियो आप पहले चाहते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।